अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का फाइनल टर्म का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फाइनल सेमेस्टर का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट था और आई गट ए प्लस ग्रेड। बी ग्रेड्स भी हैं, लेकिन मैं जिनमें बी ग्रेड्स हैं उनमें मैं ए ग्रेड्स एक्सपेक्ट कर रही थी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोगों को बता दूँ, ओवरऑल जो मैंने स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक किया उनमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पास तो सबको कर दिया है, परसेंटेज 80% तक है आप लोगों की, लेकिन ग्रेड्स कुछ खास नहीं दिए। स्टूडेंट्स के सी ग्रेड्स भी हैं और डी ग्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के। तो इसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब स्टूडेंट्स की फेल जो स्टूडेंट्स थे उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को ब्लेम किया गया कि रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आया। स्टूडेंट्स ने मेल्स की, हर तरह से आप लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसके नतीजे में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बैठकर इंतज़ामिया ने ये फैसला किया कि नेक्स्ट टाइम जो आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनके मार्क्स तो ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन चेकिंग आपकी उस तरह से स्ट्रिक्ट ही होगी। मतलब यह था कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें उस तरह से चेकिंग नहीं हो रही थी। स्टूडेंट्स कहते थे कि यार मैं एक दिन पढ़ा और मेरे अच्छे ग्रेड्स आ गए। तो स्टूडेंट्स, इस दफ़ा पास होने वाले स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ग्रेड्स हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं दिए गए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग जो जिनके डी ग्रेड्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब ये डिपेंड करता है। अगर तो आपके लास्ट सेमेस्टर चल रहे हैं और आपकी 3+ CGPA है तो आप हरगिज़ डी ग्रेड इम्प्रूव ना करें, और अगर आपके जो है वो 3 से कम है CGPA तो आपको लाजमी डी ग्रेड इम्प्रूव करना चाहिए। स्टूडेंट जो आप कहते हैं कि अगर बाद में कम आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने दो जो है मेरे उनकी मैंने मेल की थी और वो दो सब्जेक्ट्स को मैंने इम्प्रूव किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट गुड मार्क्स। तो पिछली दफ़ा की निस्बत अब मेरे बहुत अच्छे हैं उसमें। तो आप लोगों को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन उनको जिनकी बिलो देन 3 CGPA है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के स्टार्टिंग वाले सेमेस्टर्स हैं उनकी चाहे 3+ CGPA है, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में डी ग्रेड आ गया तो उनको लाजमी इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लाजमी इम्प्रूव करें। बाकी ओवरऑल परसेंटेज स्टूडेंट्स की जो है वो पास होने वाले स्टूडेंट्स की तो बहुत अच्छी रही है। बाकी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।